कौची कौची दिल तुम प्रधानमंत्री जी? हम ताजमहल दिल थू। ताजमहल तो बताइए कहाँ है ताजमहल? अपना ताजमहल दिखाइए। देखिए ये इनका ताजमहल है, ये ताजमहल है, ये ताजमहल नरेंद्र मोदी जी दिए इनको 8 साल में। कह रहे कि यही मेरा ताजमहल है। बीजेपी को हम क्यों दें? बीजेपी के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी हम लोग के लिए है ये नहीं, गरीब के लिए। आइए दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे लिए क्या किए हैं। इतना बिजोड़ बिजोड़ महल बनाया है। थोड़ा भैया कैमरा मैन देखिए महल तनी थोड़ा दिखा दीजिए। दिखा दिए, यही नरेंद्र मोदी के जेथी में बन रहा है। आई देखिए गंगा नदी, देखिए गंगा नदी। हाँ देखिए यही गंगा नदी है। कहते हैं ना कि स्वच्छ अभियान रहता है, देखिए कितना स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी चला है। हाँ वही चला है, देखिए कितना साफ सुथरा है गंगा नदी इसको कर रहे। हाँ गंगा नदी देखिए कितना साफ सुथरा, नरेंद्र मोदी के कारण देखिए कितना साफ सुथरा है। मेरे लिए बीजेपी सरकार यही किया कि जो चावल 22 रुपया खाते थे और आज 44 रुपये खा रहे हैं। अच्छा। आटा जो महंगा है, तेल लहसुन जो भी सामान, गैस हो सिलेंडर का या तेल हो, हम लोग का भी दो बाल बच्चा जो गाड़ी रखे हुए है, जो हो रहा परेशानी वो पूरा दुनिया जान रही है। दिखा दीजिए गंदगी, दिखाइए इधर, इधर ताजमहल के सामने है ये, ताजमहल के सामने शायद ये नदी होगा है ना जी। कागज पता चुना ही तो खाए ना तो भूखे रही, कागज चुने जाए तो चोरी चोर 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 करके हमने के मारे। पैसा उसे बढ़ी नहीं रहा, आदमी 200-3 हजार में क्या करेगा, इसीलिए आदमी गलत काम करता है, दारू बेचता है, ये करता है वो करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं यारपुर, दलित बस्ती है, पिछड़ों की बस्ती है। और प्रधानमंत्री बनने से पहले 9 फरवरी 2014 को कोच्चि के रैली में उन्होंने कहा था कि अगला आने वाला जो 10 साल है मेरा पूरा 10 साल दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए रहेगा। तो 8 साल बीत चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए क्या किए हैं। इनके जुबान से ही सुन लेंगे कि प्रधानमंत्री क्या किए हैं। बताइए, उन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। कुछ नहीं कहा हमने, सब कागज पत्र चुन के खाई थी तैयो अथी रहे, कागज पत्र चुन तो खाए ना तो भूखे रहे, कहे तो घर दुआर तो ना बना दी, सगरो कोठा मकान बना है। आय कागज चुने जाए तो चोरी चोर 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 करके हमने के मारे, कैसे करके खाम। अच्छा रुकिए रुकिए, ये बताते हैं, कहे थे कि गैस के दाम कम करेंगे नरेंद्र मोदी जी, कर दे कहा कुछ आ 1100 रुपये ले थे, 1110 रुपया। हाँ काला धन 15 लाख दे। हाँ कुछो ना, कुछ ना हमने कहा कुछ मिल का बउआ, बेरोजगारी दूर करे ला कहे थे। कुछ ना, कुछ ना चुने तो खाए ना तो भूखे रहे, कागज चुनते तब खाते हैं। तक एक बार बोल रहे थे इधर, बताइए तोरा कौची कौची दिल तुन प्रधानमंत्री जी? हमारा हम ताजमहल दिल थू। ताजमहल तो बताइए कहाँ है ताजमहल? अपना ताजमहल दिखाइए। झोपड़ी है, झोपड़ी दिखाऊं, झोपड़ी दिखाऊं। देखिए ये इनका ताजमहल है, ये ताजमहल है, ये ताजमहल नरेंद्र मोदी जी दिए इनको 8 साल में। कह रहे कि यही मेरा ताजमहल है। ठीक है तो ताजमहल में के गो आदमी रहते हैं ताजमहल में? लाइक 15 आदमी। 15 आदमी ताजमहल में रहते हैं। देखिए उतना बड़का को ताजमहल तो आपको दिखाए हैं, उस ताजमहल में 15 आदमी रहते हैं। कैसे आपका खेवा खर्ची कैसे चलता है? कैसे चलता है? कागज पत्र चुनते हैं आप? कागज पत्र चुनके? अरे मोदी जी रोजगार देने के लिए बोले थे, तो कहाँ रोजगार मिल गया? 15 लाख देव ला गलत ना दल तू, 15 लाख खुद गैस के दाम कम करने के लिए बोले थे। हाँ तो कहाँ कम ले, आप बढ़ ही गए। कितना बढ़ गया? कितना? 1100 ले आओ। 1110 रुपया। चलिए आपको दिखाते चलते हैं, ये स्लम एरिया है। और मोदी जी कहते हैं कि हम 8 साल 10 साल जो मेरा है वो पूरा 10 साल जाएगा अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। अब यहाँ दलित बस्ती में आए हैं, क्या नाम है भैया? धीरज दास। 8 साल में बीजेपी सरकार आपके लिए क्या किया है? मेरे लिए बीजेपी सरकार यही किया कि जो चावल 22 रुपया खाते थे और आज 44 रुपया खा रहे हैं। अच्छा। आटा जो महंगा है, तेल लहसुन जो भी सामान, गैस हो सिलेंडर का या तेल हो, हम लोग का भी दो गो बाल बच्चा जो गाड़ी रखे हुए है, जो हो रहा परेशानी वो पूरा दुनिया जान रही है। बस यही है कि अभी जो झेल रहे हैं, जो 8,000, 7,000, 5,000 कमा रहे हैं और 12-15 हजार का महीना घर में चल रहा है, तो किस तरह से खा रहे हैं, पानी पी के जी रहे हैं जिंदगी।
मतलब आप कहना चाहते हैं कि 8,000-7,000 कमाते हैं और खर्ची गिरता है आपका 15,000। जी जी जी। तो बाकी तो आप घाटा में, तो कहाँ से पैसा लाते हैं? बस वही करके उसको बचा बचा के खा रहे हैं, उसमें से कम कोटा करके 2 दिन पानी पी के सो जा रहे हैं। अच्छा, आप अपने नजरों में बताइए। ये गाना गुड़िया भी है घर में जो रखा हुआ, महीना से कहीं से कमा के कर्जा महाजन करके फिर उसको आता है ज्यादा तो छोड़ाते हैं। मोदी जी कहते हैं महंगाई को कम करेंगे, आपके नजरों में क्या लगता है, कम कर दिए हैं? अभी कहाँ कम किए हैं, कहाँ कुछ किए हैं, कहाँ। वो बजट तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, वो भी गैस कभी कभी भरवाते हैं नहीं तो नहीं भरवाते। 15 लाख देने के लिए वादा किए थे, 15 लाख रुपया तो बस तो खुदे बोले कि खाता खुलवाए थे। हाँ तो कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, बस जुमला हुआ, जुमला बन के रह गया, जुमला था, जुमला बन के रह। हाँ जो बन के रह। वोटवा आप दिए थे कोची के नाम? वोट तो देखिए, वोट हम लोग को जहाँ जो बढ़िया कैंडिडेट रहता है उसी को देते हैं, हम लोग फंसते नहीं हैं, जागरूक हो गए हैं हम लोग। अब मोदी जी को आप वोट एक बार देवे नहीं किए हैं? वोट कभी काहे वोट देंगे हम दूसरे तीसरे को, पहले 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 कभी नहीं। बस हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उस समय दिए थे नीतीश कुमार को, अब गड़बड़ हो गए हैं तो नहीं देते हैं। मतलब आप नहीं दीजिए? नहीं देंगे। नीतीश कुमार तो बीजेपी में शामिल है। हाँ तो वो जब लालू जी के साथ में थे तो उनको गठबंधन में दिए थे वोट, अब किसको दीजिए? जो अब अच्छा कैंडिडेट होगा जो मेरे लिए हित में काम करेगा उसको वोट देंगे। बीजेपी को दीजिएगा कि नहीं? बीजेपी को हम क्यों दें? बीजेपी के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी हम लोग के लिए है ही नहीं, गरीब के लिए। गरीब के लिए नहीं है? नहीं है। तो उन्होंने तो कहा था कोची में, गरीब के लिए कहाँ कुछ किया। अभी तो आप भी देख रहे हैं कि कौन परिस्थिति में लोग जी रहा है, बस्ती देख रहे हैं ना, स्लम से रिया। ये देखिए वार्ड नंबर 19 है मेरा, वार्ड ये देख लीजिए, दिखा दीजिए, गंदगी दिखाइए। इधर इधर ताजमहल के सामने है, ये ताजमहल के सामने शायद ये नदी होगा, है ना जी? वो अभी एक महिला बोली ना कि ताजमहल है, तो ताजमहल के सामने ये नदी है। अब कौन सा नदी है, शायद वो नाम बता देता था बहुत अच्छा रहता। चलिए आप कुछ लोगों से हम बात करवाते हैं। कहाँ कुछ किए हैं, 8 साल बीत गया, कहाँ कुछ, तेल बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, कहाँ कुछ किए हैं? कह रहे थे कि 10 साल गरीबों के लिए देंगे, दलितों के लिए देंगे, कहाँ किए हैं? गरीब तो और मर रहा है। अरे तो वो तो बोले के चलते, वो तो बोले थे कि महंगाई कम करेंगे, नहीं किया। महंगाई कहाँ कम हुआ, तेल का दाम बढ़ गया, खाली पुल बना रहा है, खाली रोड और पुल बन रहा, गरीब के लिए कुछ बन ही नहीं रहा। कुछ बनता था ना, मतलब 8 सालों में अभी तक गरीबों के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत महंगाई बढ़ जा रहा, भीख मांग रहे हैं हम लोग। क्या ये दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे लिए क्या किए हैं? इतना बिजोर बिजोर महल बना है, थोड़ा भैया कैमरा मैन देखिए महल तनी थोड़ा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। ये महल बना यही नरेंद्र मोदी के जेथी में बन रहा है। आई देखिए गंगा नदी, देखिए गंगा नदी, हाँ देखिए यही गंगा नदी है। कहते हैं ना कि स्वच्छ अभियान रहता है, देखिए कितना स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी चला है। हाँ वही चला है, देखिए कितना साफ सुथरा है, गंगा नदी इसको कह रहे हैं। हाँ गंगा नदी देखिए कितना साफ सुथरा, नरेंद्र मोदी के कारण देखिए कितना साफ सुथरा है। देख रहा है ना उधर कैमरा भैया, इधर कीजिए थोड़ा कैमरा, दिखा दीजिए। अभी बोल रहे हैं कि एकदम बड़ा बड़ा अभी महल दिखाए आपको, महल बना के हाँ उसके किनारे बोल रहे हैं कि गंगा नदी है, स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान कितना साफ सुथरा, नरेंद्र मोदी जी का चलाया हुआ। उधर देखिए, उधर पूरा घिराया। अब यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से, आपको दिखाए से कहा कहेगा आदमी। देखिए हम ऐसे रहते हैं लोग, काला धन देवे लगे बोले थे ना, काला धन तो उनका से बचेगा तो ना हम लोग के देंगे, तो खुदे रख लिए, खुदे रख लिए। क्या दिखाए ना अपना ताजमहल, हाँ ताजमहल तो आप अपना दिखा दिए, भी दिखा दिए, वो सब कुछ भारत में, वो लोग से बचेगा तो ना गरीब कन आएगा, वो लोग से बचबे नहीं करता गरीब कन कहाँ आएगा नौकरी देने के बाद। अरे ये कुछ नहीं, प्राइवेटों में आफत पड़ल है, प्राइवेटों में आफत पड़ल है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि उधर से पैसा उसे बढ़ ही नहीं रहा, आदमी 200-3,000 में कहा करेगा, इसीलिए आदमी गलत काम करता है, दारू बेचता है, ये करता है, वो करता है। दारू बेचने वाला के पकड़ता है पुलिस, पकड़ेगा नहीं, पकड़बे करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा, दारू बेचता है, वो करता है। सरकार से यही निवेदन है कि भैया कुछ गरीब के लिए कुछ कम करवा दीजिए, कहे कि इतना बड़का लोग के लिए तो सोचना नहीं है, उन लोग के पास काला धन आ ही रहा है, हम लोग के लिए दिक्कत है, हम लोग गरीब आदमी है, प्राइवेट काम करते हैं, कहाँ से आएगा, कितना कमा लेते हैं, 5,000 में क्या हो गया, 5,000 काम करते झाड़ू पोछा का। तो देखिए इन्होंने साफ साफ बताया कि हमारा ताजमहल देख लीजिए, इन्हें नरेंद्र मोदी जी दिए हैं इनको ताजमहल बना के, और उनके सामने दिखाएं कि मेरा गंगा नदी है, और उसके बगल में दिखाएं स्वच्छ भारत अभियान जो नरेंद्र मोदी जी चलाए थे, कितना साफ सुथरा आपको दिखाई दिया होगा ये वीडियो में, और कितना विकास हुआ है 8 साल में नरेंद्र मोदी जी, कितना विकास किए हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आप साफ साफ इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा,
और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।